नमस्कार, मैं गौरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों को जानने का। बताते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में आज सुबह एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया। यहां मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं, दो बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, हर तरफ शीख पुकार मच गई। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। वहीं प्रशासन गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकालने में जुटा। दुर्घटना के कारण ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2,50,000 रुपए और साथ ही घायल लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जदयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यहां वो मुसलमान और यादवों को लेकर विवादित बयान देते दिख रहे हैं। आपको बता दें, सीतामढ़ी में प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि अब वो यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाए। आप भी सुनिए। बिचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया। आरोही का समस्या रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान उकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, उन्हें कहा भाई साहब उनको लगता मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ सर पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसने निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज करूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इसलिए कि तीर दबा कर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? अब बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहां हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहली बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्ट आदमी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा बेचारा? कहा नहीं ठीक है सर, आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20-25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, कहीं पुलिस का पर भी, कहीं स्वास्थ्य का पर भी, अस्पताल जाना है एम्स में जाना है, IIMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आँख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी के दिया करके और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है, भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया पूरे दुनिया में, तो किसी को वंचित रखा क्या उसमें? अक्सर बेटों को वंचित रखा क्या? कोविड
कोविड में तमाम हमारे आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में समाज का वोट नहीं मिलने से देवेश चंद्र ठाकुर आहत हैं। बता दें कि सांसद बनने से पहले देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति थे। 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर सभापति पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रैफिक कांस्टेबल की दबंगई की खबर सामने आ रही है। पुलिस वाले ने गुस्से में आकर कार चालक को थप्पड़ जड़ दिया और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक कार चालक के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और युवक को थप्पड़ भी जड़ दिया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रैफिक जाम में फंसे कार चालक ने कथित तौर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गाड़ी पर हॉर्न बजाया था और जिससे वो भड़क गया था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी कांस्टेबल को उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया है, पुलिस लाइन भेज दिया गया है। खबर है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बिजली गुल होने के कारण आज कुछ समय के लिए सेवाएं बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि यह कटौती कुछ घंटे तक रही। बिजली कटौती के कारण चेक इन और बोर्डिंग समेत अन्य ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए प्रभावित हो गए। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर पावर ग्रिड में खराबी के कारण बिजली गुल होने की सूचना मिली। बता दें कि एयरपोर्ट पर लाइट कटने की वजह से राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट ब्लैकआउट हो चुका है। इस कारण एयरपोर्ट पर सारे काम ठप पड़ चुके हैं। विमान में देरी हो या भीषण गर्मी, यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना दिल्ली एयरपोर्ट पर करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब और पश्चिम बंगाल में 10 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने जालंधर पश्चिम सीट से शीतल अंगुराल को मैदान में उतारा है। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने रायगंज से मानस कुमार घोष, राणाघाट दक्षिण से मनोज कुमार विश्वास, बगदा से विनय कुमार विश्वास और मानिकतला से कल्याण चौबे भट्टाचार्य को मैदान में उतारा। गौरतलब है भारत चुनाव आयोग ने इससे पहले 10 जून को बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता MB भानुप्रकाश की कर्नाटक में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया गया कि भानुप्रकाश पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं पाए। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम को बड़ी सफलता मिली। जिले के उप जिला हंदवाड़ा में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा हुआ है। वो क्षेत्र में सॉफ्ट टारगेट करने की फिराक में था। उसकी पहचान जाकिर हमीद मीर के रूप में की गई है। वहीं उसके कब्जे से एक चीनी पिस्तौल और एक हथगोला बरामद किया गया है और आगे की जाँच जारी है। आज पूरे देश में धूमधाम से बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बकरीद धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर घाटी के बाजारों में ईद के पर्व पर विशेष रौनक है। सुबह नमाजियों में ईदगाह में पहुंचकर नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारक भी दी। बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। नोएडा से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। यहां 3 लोगों ने 2 पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। कथित अपराध में इस्तेमाल की गई SUV महिंद्रा थार को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नितेश गुप्ता, तुषार कालरा और नवीन अवाना के रूप में हुई है। आरा में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में नहाने के लिए गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 युवक नहाने के लिए बनाए गए घाट से लगभग 200 मीटर दूर गंगा नदी में नहा रहे थे। इस दौरान गहरे पानी में जाने से एक युवक डूबने लगा। उसे बचाने की वजह से 3 अन्य युवक भी डूब गए। मिली जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान एक युवक अपने मोबाइल से सेल्फी लेने लगा और वो नदी के गहरे पानी में चला गया, जिसे देख उसके 3 अन्य दोस्त भी बचाने के लिए पानी में आगे बढ़े। इस दौरान एक कर सभी लोग डूब गए। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने 4 के शवों को ढूंढकर पानी से बाहर निकाला और सभी शव को आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल के लिए इन 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए C News भारत।